हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस प्रॉब्लम में बिल्कुल पहली प्रॉब्लम की तरह ही है। यहाँ कहा गया है कि यदि चार्ज पार्टिकल को अलोंग ए भी थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ें तो जो SHM होगा उसका टाइम पीरियड निकालना है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, पॉइंट A और B, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसी सिचुएशन है। D डिस्टेंस अपार्ट, मिड पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल है, D बाई टू डिस्टेंस, यहाँ पर C पॉइंट, चार्ज Q, तो पहले डिस्प्लेस किया था हमने, वो परपेंडिकुलर था इससे पहले क्वेश्चन में। इसमें उसने बोला कि यदि हम इधर को ही डिस्प्लेस करें तो मानो पार्टिकल मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया और ये डिस्टेंस X है, तो फिर यहाँ से यदि आप डिस्टेंस लगाएं, देखिए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई टू प्लस X, और ये कितना हो जाएगा, d बाई टू माइनस x। तो अभी आप देखेंगे कि जो इसके ड्यू लगने वाला फोर्स है वो f की वैल्यू होगी 1/4πε0, इसको मैं f1 कहता हूँ, a की ड्यूट है, f on c ड्यू टू a बोलता हूँ मैं। तो ये होगा क्यू क्यू ओवर डी बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर, और एफ ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा, ये होगा 1/4πε0, हमने डिस्प्लेस किया था बी की तरफ, तो क्यू क्यू ओवर डी बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जो डायरेक्शन होगी वो एफ ऑन सी ड्यू टू ए जो होगी वो टुवार्ड्स बी होगी, और ये आपकी टुवार्ड्स ए होगी। तो जो नेट फोर्स होगा वो ज़्यादा कौन सा फोर्स होगा, देखिए दोनों का सेम कांस्टेंट है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर ये छोटा है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो फोर्स बड़ा, तो नेट फोर्स on the particle कितना हो जाएगा भाई, तो ये होगा f इक्वल टू f on c ड्यू टू b माइनस f on c ड्यू टू a, और ये होगा towards a की तरफ होगा क्योंकि ये चार्ज बड़ा है। तो यहाँ देखें तो f की वैल्यू मैं लिखूँगा 1/4πε0 क्यू क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं, और ये होगा जो बड़े वाला फोर्स है, पहले लिखें 1/d/2 - x² 1/d/2 + x² तो क्यू क्यू बाई 4πε0, और यहाँ देखें तो ये d बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यह आएगा दिस इंटू दिस, यानी कि डी बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर डी बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये डी बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर डी बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर क्यू क्यू बाई 4πε0, और यह आएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx/2 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2dx/2 ओवर, और यहाँ पर जो ये स्क्वायर है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का स्क्वायर लिखूं तो ये डी बाई टू माइनस एक्स और ये यहाँ पे आएगा डी बाई टू प्लस एक्स और क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ देखेंगे आप एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डी स्क्वायर बाई फोर भी कैंसिल हो जाएगा तो टू टू यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं तो डी एक्स टू डी एक्स टू इंटू डी इंटू एक्स ओवर और ये आता है आपका डी स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर टू तो ये आपका प्लस आएगा और ये डी एक्स और डी एक्स टू डी एक्स होगा यहाँ पे आप क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और यहाँ पे आपसे पूछा था कि ये एस एच एम को जाएगा तो हमें पहले एक्स के लिए प्रूफ करना है तो यहाँ लिख लो आप लोग टू से कैंसिल करके टू और फोर कर देते हैं टू हो जाएगा और डी ओवर डी स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर इंटू एक्स एंड फोर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डी एक्स स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू डी स्क्वायर देयरफॉर एफ का वैल्यू होगा क्यू क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओवर और यहाँ पे डी स्क्वायर बाई फोर का पावर टू इंटू एक्स तो ये आपका हो जाएगा डी की पावर फोर बाई सिक्सटीन ऊपर आ जाएगा ये इससे कैंसिल थ्री क्यूब बन जाएगा डी क्यूब और ये इससे कैंसिल होकर के एट आ जाएगा तो यहाँ पर आपका जो एफ आएगा ये आता है आपका एट क्यू क्यू ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स ये पोर्शन है आपका ये कॉन्स्टेंट है तो एज एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स सो पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एस एच एम हेयर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आएगा एफ बाई एम और ये हो जाएगा एट क्यू क्यू ओवर पाई एप्सिलॉन डी क्यूब इंटू एम एंड देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो कि फार्मूला है टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सेलरेशन और ये वैल्यू हो जाएगी टू पाई अंडर रूट एट क्यू क्यू ओवर डिस्प्लेसमेंट इज एक्स ओवर एट क्यू क्यू इंटू यहाँ एक्स भी है तो एक्स डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एम ऊपर चला जाएगा एक्स को कैंसिल करेंगे टू पाई को अंदर लाएंगे तो टू टू या फोर और ये पाई क्यूब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एम और डिवाइडेड बाई एट क्यू क्यू ये टू जा हो जाएगा तो टाइम पीरियड होगा आपका अंडर रूट पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब ओवर टू क्यू इंटू क्यू तो इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन
And now we will proceed to the next question.